नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण, मेरे साथ है अभिनव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में, जो कि इस सीज़न कितनी अच्छी प्रदर्शन करके आने वाली है वो सब हम देखेंगे। इस सीज़न उनके कप्तान होने वाले डेविड वार्नर, पिछले साल तक ऋषभ पंत थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उनके चोट होने के कारण वो इस पूरे सीज़न से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया है। हालांकि इस टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे पृथ्वी शॉ हो गए, मिचेल मार्श हो गए, ललित यादव जो पिछले सीज़न काफ़ी अच्छा खेले थे, अक्षर पटेल होंगे इस टीम में। तो इस टीम में काफ़ी स्टार खिलाड़ी भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही डेविड वार्नर की कप्तानी में, जो इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आगे तक ये डेविड वार्नर अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को ले जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव हमेशा की तरह रहते ही हैं। तो अभिनव, इस पूरी टीम को देखते हुए क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार कितनी मजबूत टीम आपको लग रही है? बहुत मजबूत टीम है, कोई डाउट नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा करने वाली है। डेविड वार्नर कप्तान है, एक्सपीरियंस्ड कप्तान है, आईपीएल में भी पहले कप्तानी कर चुके हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कप्तानी कर चुके हैं, रन अच्छा करते हैं, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। पृथ्वी शॉ के साथ, पृथ्वी शॉ खुद एक स्टार बल्लेबाज है, काफी अच्छा क्लास है इनके पास। रोमन पवेल होने वाले हैं, मिशेल मार्श जो कि अभी अभी हमने देखा कि भारत के खिलाफ क्या कहर बरपाया, बिल्कुल। उसके बाद फिर अक्षर पटेल हैं, एनरिक नौकिया हैं और सरफराज खान हैं जो कि डोमेस्टिक के मतलब स्टार हैं, बिल्कुल। ये सब तो पता ही होगा इन लोगों के, मतलब इसमें बोलने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अभी वेस्ट इंडीज की भी पावर दिखेगी, रोमन पवेल, बिल्कुल। तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे बड़ी बात जो नीलामी में जो ऑक्शन में जो खरीदी गई खिलाड़ी हैं, जैसे मुकेश कुमार, रायली रूसो, मनीष पांडे, फिलिप सॉल्ट, सारे अच्छे खिलाड़ी, मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी को खरीदा है इस टीम ने। तो ओवरऑल जो टीम बनेगी, प्लेइंग 11 बनने वाले, वो सारे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी होने वाले हैं, बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। अगर ये इस टीम से अगर हम उम्मीद नहीं करेंगे और ये टीम अगर अच्छा नहीं करती है, तो मतलब सोचने वाली बात होगी इससे बेटर टीम और क्या हो सकता है, मुश्किल होने जाएगी, बिल्कुल। और डेविड वार्नर भी शुरुआत भी इन्होंने अपनी दिल्ली की टीम से ही करा था आईपीएल, और यहाँ पे फिर से एक बार दिल्ली की टीम में वो कप्तान बन के खेलते हुए दिखेंगे। डेविड वार्नर अगर देखा जाए तो इस बार इन्होंने ऑक्शन में जो खिलाड़ी खरीदे, मुकेश कुमार 5.50 करोड़ में, बहुत महंगे खिलाड़ी इनको खरीदा है मुकेश कुमार, क्योंकि गेंदबाज भी उस हिसाब के अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं और इंडिया के लिए इनको साउथ अफ्रीका पिछले साल सितंबर में इनको कॉल भी आया था, हालांकि वहां मैच खेल नहीं पाए थे, लेकिन मुकेश कुमार यहां पे अच्छे गेंदबाज है, बंगाल की तरफ से खेलते हुए दिखते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वहीं रायली रूसो को हमने सबने देखा, भारत के खिलाफ उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन करा था, शतक भी लगाए उन्होंने काफी T20 में। उसके बाद मनीष पांडे जो बहुत लंबे समय से KKR की टीम में भी पहले खेलते थे, भारतीय टीम में भी खेल चुके हैं, उनको 2.40 करोड़ में खरीदा। रायली रूसो को 4.60 करोड़ में खरीदा था। वहीं फिलिप सॉल्ट जो कि युवा बल्लेबाज हैं, 2 करोड़ में इनको भी खेला, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आते हैं। ईशांत शर्मा 50 लाख में ये टीम के साथ जुड़े, तो अनुभव भी है ईशांत शर्मा के पास जो गेंदबाज। यहाँ पे एनरिक नौकिया भी आपको दिखेंगे, साउथ अफ्रीका, गन स्पीड बहुत, मतलब काफी तेज है, 150+ फेंकते हैं। वहीं मुस्तफिजुर रहमान भी है जो कि अपनी स्लोअर वन से वेरिएशन से हमेशा बल्लेबाजों को चकमे में डालते हैं। तो यहाँ पे चेतन सगारिया लेफ्ट आर्म पेसर है, कुलदीप, यहाँ पे अच्छी टीम है, लेकिन प्लेइंग 11 थोड़ा मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी में ये किसको, क्योंकि मेरे को ज्यादातर तो बल्लेबाज इनके लग रहे हैं कि 3 नंबर और ओपनर है। अगर देखा जाए डेविड वार्नर ओपन करते हैं, पृथ्वी शॉ ओपन करते हैं, फिलिप सॉल्ट भी ओपन करते हैं, रायली रूसो भी 3 नंबर पे ही खेलना पसंद करते हैं, मिचेल मार्श भी आपने देखा कि ओपन या 3 नंबर ही खेलना चाहेंगे। तो यहाँ पे मुश्किल आ जाएगी 4 और 5 नंबर पे कौन इनको खेल के देने वाला है। और हालांकि आपके पास फिनिशर में हम कह सकते हैं कि अक्षर पटेल और ललित यादव पिछले साल काफी अच्छा करे थे, तो ये हो सकते हैं, लेकिन और रोमन पवेल भी आपके फिनिशर के तौर पर, लेकिन 4 और 5 नंबर जो यहाँ पे एक टीम को स्टेबिलिटी चाहिए होती है उस पे यहाँ पे थोड़े ज्यादा खिलाड़ी नहीं है। मनीष पांडे जरूर है, लेकिन उसके अलावा आपको और कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ओपनिंग की बात करें तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ अगर फिट हैं तो पक्के ही हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ पे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम अभी भारत के खिलाफ जो खेली थी उसमें मिशेल मार्श को उतारी थी एज एन ओपनर और काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, तो शायद मैं 10 या 20% ये कह सकता हूँ कि इसको देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रैटेजी बना सकती है कि मिशेल मार्श को ओपन कराए, लेकिन अगर वो ओपन नहीं करते तो मुझे वो डेफिनेटली लगता है कि 4 या 5 नंबर पे मिशेल मार्श, मुझे लगता है कि, और मुझे 3 नंबर पे मैं मनीष पांडे को मुझे लग रहा है कि वो आ सकते हैं, और या फिर अगर रायली रूसो को खिलाया जाए तो वो आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की टीम है उस तरह की मुझे लगता है कि प्रेफरेंस ज्यादा ऑलराउंडर को मिलेगा, जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है
ऑलराउंडर खेल सकते हैं, रोमन पावेल होंगे क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं। दो खिलाड़ी तो आपके पक्के ही हैं, एक तो डेविड वार्नर विदेशी हो गए और एक आपके एनरिक नोकिया, इन दो को तो आप कैसे अभी हटा ही नहीं सकते। अब उसके बाद आपको एक बल्लेबाज भी चाहिए, मिशेल मार्श भी मुझे लगता है पक्के हैं, मिशेल मार्श ही खेलेंगे क्योंकि राइलो रूसो का मुझे नहीं लगता कि, और फिलिप सॉल्ट भी, लेकिन विकेट कीपर आपके फिलिप सॉल्ट ही होंगे, लेकिन विकेट कीपर या तो आपको फिर सरफराज खान को कराना पड़ेगा। सरफराज खान खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का खेलेंगे, चार नंबर पर वो खेल सकते हैं। आपको यहाँ पे विकेट कीपर अगर आप फिलिप सॉल्ट को खिलाते हैं तो यहाँ पे आपको फिर बाहर करना पड़ेगा मिचेल मार्श को। मुझे उसके साथ जाना सही नहीं लग रहा है क्योंकि फिलिप सॉल्ट मतलब प्रॉपर एक बल्लेबाज हो जाएंगे, लेकिन मिशेल मार्श के साथ है कि आप गेंदबाजी भी करवा सकते हैं, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी कर रही है, वही कहने वाला था कि वो गेंदबाजी अभी नहीं किए, तो अगर प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर जाते तो मुझे लगता है कि फिलिप सॉल्ट के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि वो कीपिंग भी करेंगे, कीपिंग दे सकते तो हैं। और तो अगर ओपन देखा जाए तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ तो हो जाएंगे, मुझे भी लग रहा है। नंबर पर मैं अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो मैं तो मिचेल मार्श को तीन नंबर पे खिलाऊंगा, मुझे भी लग रहा है। चार नंबर पे आप खिला सकते हैं मनीष पांडे को, मनीष पांडे मनीष पांडे, और पांच नंबर पे आप सरफराज खान, छह नंबर पे रोमन पावेल, सात नंबर पे आपके अक्षर पटेल आ जाएंगे, फिर आप मतलब ललित यादव को बाहर करेंगे। चलो एक बार पहले अक्षर पटेल को लेके देखते हैं, स्लैश कर सकते हैं ललित यादव के साथ। जी कुलदीप यादव भी है, बिल्कुल कुलदीप यादव भी आपके खेलेंगे, मुकेश कुमार और ईशान शर्मा आपके, लुंगी इनगिडी भी, हालांकि वो तो खेलते हुए नहीं, तो मुझे लग रहा है एनरिक नोकिया को पहले हम लेंगे। अगर टोटल प्लेइंग 11 को देखें तो मुझे लगता है कि एनरिक नोकिया पहले, आप चार विदेशी खिलाड़ी हम पक्के कर लेते हैं, किसको खिलाते हैं, एक तो डेविड वार्नर हमारे हो गए, एनरिक नोकिया पक्के ही है बिल्कुल, उसके बाद आप रोमन पावेल को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक तो वो आप देखिए इस समय करंट फॉर्म उनकी काफी लाजवाब है, गेंदबाजी भी करके देंगे और बल्लेबाजी में तो है ही वो शानदार, तो ये तीन हो गए। चौथा आपको बल्लेबाज खिलाना पड़ेगा, तो आप फिलिप सॉल्ट के साथ, फिलिप सॉल्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर विकेट कीपिंग करवानी है तो मुझे लगता है कि फिलिप सॉल्ट सही रहेंगे, लेकिन आतिशी पारी का अभी करंट फॉर्म जो देखा जाए तो मिशेल मार्श बेस्ट कर रहा है, मतलब फिलिप सॉल्ट और मिशेल मार्श में ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ये भी प्रॉब्लम है कि इस ऑप्शन में एक विकेट कीपिंग का दिक्कत है, तो आप सरफराज खान को, सरफराज खान अगर खेल रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो विकेट कीपिंग करने वाले, या मनीष पांडे भी आपके विकेट कीपर, उन्होंने भी करी है और वो भी कर सकते हैं, पार्ट टाइमर है तो मुझे लगता है, मतलब हालांकि वो पहले विकेट कीपर ही थे, हालांकि भारतीय टीम में आने के बाद वो विकेट कीपिंग नहीं करी उतनी, लेकिन मनीष पांडे और आपके पास सरफराज खान और फिलिप सॉल्ट, ये तीन विकेट कीपर के ऑप्शन है, तो अगर आप फिलिप सॉल्ट को नहीं खिलाते तो आप सरफराज खान से विकेट कीपिंग करा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सरफराज खान जाएंगे विकेट कीपिंग के साथ ही, फिलिप सॉल्ट और मिशेल मार्श में कोई एक खिलाड़ी खेलने वाला है, तो मिशेल मार्श के साथ मैं जाता हूं, मैं भी मिशेल मार्श के साथ जाऊंगा क्योंकि करंट फॉर्म उनकी लाजवाब है, फिलिप सॉल्ट हालांकि इतना दिखे नहीं है लेकिन मिशेल मार्श का तो भाई छक्के उनके हमने देखे कि वो, और दिल्ली के ग्राउंड में छोटे ग्राउंड होगा वहां, सबसे बड़ी बात की अभी करंट में वो भारत में ही खेले हैं और कितनी बढ़िया पारी खेली है उन्होंने, वही बात है। तो पहले दो खिलाड़ी डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, तीन नंबर पे आपके मिचेल मार्श और फिलिप सॉल्ट में से कोई एक हो जाएगा, चार नंबर पे आप मनीष पांडे को खिला लेंगे, पांच नंबर पे आपके सरफराज खान हो जाएंगे, छह नंबर पे आपके रोमन पावेल हो जाएंगे, सात नंबर पे पटेल, अक्षर पटेल, सात नंबर पे अक्षर पटेल या ललित यादव, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस अक्षर पटेल के साथ जाए क्योंकि वो उपकप्तान है, अगर सरफराज खान खेलेंगे तो आपके फिर ललित यादव, मुझे ये टीम के वो कप्तान अक्षर पटेल, अक्षर पटेल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको तो भाई आप भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, उनको तो बाहर कर ही नहीं सकते, अभी करंट फॉर्म इनका भी बहुत जबरदस्त है, अक्षर पटेल तो आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, ललित यादव फिर हमारी प्लेइंग 11 में शायद जगह ना बना पाए, अक्षर पटेल का है कि एक दो, मनीष पांडे को फिर बाहर करना पड़ेगा क्योंकि अगर करंट फॉर्म देखे तो मनीष पांडे और ललित यादव में फिर चॉइस होगी, क्योंकि ललित यादव ने पिछले साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा है दिल्ली के लिए, तो ललित यादव और गेंद से भी वो गेंदबाज भी कर लेते हैं, मुझे तो लगता है कि पहले कुछ मुकाबले में मनीष पांडे को मौका मिलेगा, उसके बाद जो है ललित यादव को दिया जाएगा मौका, ये हो सकता है क्योंकि पहले जो है मैं तो अपनी प्लेइंग 11 में ललित यादव को रखूंगा मनीष पांडे के ऊपर, ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले स्टार्टिंग में कोई भी टीम चांस नहीं लेना चाहते कि अगर हार जाते तो फिर बाद में प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल, कि नहीं यार अब तो जीतना ही जीतना है, ये करना है वो करना है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मनीष पांडे को मैं ऊपर रख रहा हूँ, मैं अपनी टीम प्लेइंग 11 में मैं ललित यादव के साथ जाऊंगा, उसके बाद अक्षर पटेल हो जाएंगे आपके, तो चार नंबर में मेरे ललित यादव हो जाएंगे और अक्षर पटेल हो जाएंगे, उसके बाद आपके तेज गेंदबाजों में अगर बात करें तो एनरिक नोकिया हो जाएंगे, चेतन शागरिया हो जाएंगे, और एक आप कुलदीप यादव आपके स्पिनर हो जाएंगे, कुलदीप अक्षर ये दो स्पिनर हो गए, ललित यादव भी आपको पार्ट टाइम डाल के दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो गए, और उसके बाद आपके तीन तेज गेंदबाज हो गए हमारे, मुकेश कुमार को खिला सकता हूँ या फिर कमलेश नगरकोटी भी जो युवा गेंदबाज है, खलील अहमद भी है आपके पास, तो ये भी काफी अच्छी लेफ्ट आर्म
तो लेफ्ट आर्म में भी आपके पास ऑप्शन है, चेतन शाकरिया और खलील अहमद में से किसी एक को खिला सकते हैं। और आपको अगर तेज गति का गेंदबाज चाहिए नोकिया जैसा, तो एक कमलेश नगर कोटी को भी आप कुछ मैचेस में खिला सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि मुकेश कुमार को अगर 5.5 करोड़ में खरीदा गया है तो उस खिलाड़ी को बेंच पे बैठाना मुझे नहीं लगता है कि हाँ दिल्ली कैपिटल्स बैठाएगी। तो मुकेश कुमार के साथ में एनरिक नोकिया, दो फास्टर को मैं देख रहा हूँ, और तीसरा मैं ये देख मैं एक लेफ्ट आर्म तो खिलाऊंगा, चेतन साकरिया है मुझे, या खलील अहमद, दोनों में से कोई एक जा सकता। बट मुझे लगता है चेतन साकरिया के साथ है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो भरोसेमंद थोड़ा चेतन साकरिया होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान के पहला सीजन राजस्थान के साथ खेला था, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मुझे लगता है कि तीसरे जो गेंदबाज होंगे वो चेतन साकरिया ही होने वाले हैं, और जो चौथा अगर गेंदबाज होगा तो मैं उस स्पिनर के रूप में लूंगा कुलदीप यादव। कुलदीप यादव तो होंगे ही, तो ये चार हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल को मैं लूंगा, क्योंकि वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा करते हैं। पांच तो ये हो गए, और ललित यादव आपके एक ललित पार्ट टाइम बॉलर हो जाएंगे, पार्ट टाइम रोमन पावेल भी आपके पास हो जाएंगे, सात बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, तो ये बढ़िया रहेगी। तो एक बार फाइनल बता देते दर्शकों, जो प्लेइंग 11 हो सकती है, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ये पक्के हैं, दो मनीष पांडे और ललित यादव में आपके पास ऑप्शन है, तीन मैं ललित यादव के साथ जा रहा हूँ, आप मनीष पांडे के साथ जा रहे हो। उसके बाद आपके पास है फिलिप सॉल्ट और मिचेल मार्श में आपके पास चॉइस है, मैं मिचेल मार्श के साथ जा रहा हूँ, मैं भी मिचेल मार्श के साथ ही जाऊंगा। चार हो गए। उसके बाद पांच नंबर पे आप सरफराज खान विकेट कीपर होंगे ये हमारे, उसके बाद रोमन पावेल 6 नंबर पे, बिल्कुल 7 नंबर पे आपके अक्षर पटेल, बिल्कुल 8 पे कुलदीप, 8 पे कुलदीप हो गए, 9 पे एंड्रिक, 10 पे चेतन साकरिया, और उसके बाद खलील अहमद या फिर आप मुकेश कुमार में से किसी को खिला सकते हैं, मैं भी मुकेश कुमार के साथ ही जाऊंगा। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11 जो दिल्ली की सीजन हो सकती है, और दिल्ली से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि इस टीम ने जब ऋषभ पंत की कप्तानी या उससे पहले जब श्रेयस अय्यर दोनों थे तो काफी अच्छी प्रदर्शन कर रहा था, एलिमिनेटर तक गए थे ये लोग, प्लेऑफ्स में गए थे, और काफी अच्छी टीम दिखी है दिल्ली की टीम। पिछले साल भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा था, इस साल भी ये चाहेंगे कि अपने प्रदर्शन को थोड़ा फाइनल तक पहुंचाएं, ये फाइनल में दिखे, और ये टीम में वो काबिलियत है, और वार्नर के अंदर भी वो काबिलियत है कि अपनी कप्तानी से वो, और परफॉर्मेंस तो उनका हमेशा लाजवाब रहता है, आप देखिए कि वो हमेशा 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों में होते हैं लगातार, वो रन टॉप 5 में तो वो होना ही होना है उनको। क्या लगता है इस साल दिल्ली की टीम से किसको आप सबसे ज्यादा रन बनाते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बार मिशेल मार्श बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस टीम में मुझे लगता है फाइनलिस्ट बनने की क्षमता है जी, और डेविड वार्नर जो है वो सनराइजर्स को भी जिता चुके हैं, आईपीएल जिता चुके हैं, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे कप्तान हैं जो कि सक्सेसफुल कप्तानों में से एक हैं, बिल्कुल, और पूरी टीम जो है इंटरनेशनल टीम है, करंट फॉर्म अगर देखें सारे खिलाड़ियों की तो वो बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि अगर फाइनल तो जाना चाहिए, क्योंकि आज तक ये तो एक तो ये टीम आज तक फाइनल में पहुंची नहीं है, क्योंकि इस बार इनके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी सब हैं, बिल्कुल, तो उम्मीद हम जरूर करेंगे कि ये टीम फाइनल पहुंचे, बिल्कुल, और मेरी भी उम्मीद यही है, लेकिन मैं थोड़ा जो मेरा आपसे अलग सोचना है कि डेविड वार्नर, मेरे को लगता है कि इस बार भी डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, ये आपके दो दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते हुए दिखेंगे, और इन दोनों पे वो जिम्मेदारी भी होगी, पृथ्वी शॉ के लिए भी काफी बड़ा आईपीएल होने वाला है, क्योंकि लगातार रन करने के बावजूद उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, तो ये एक सीजन होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके बाद अगला T20 वर्ल्ड कप भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पृथ्वी शॉ के लिए भी ये सीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर मेरे को लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, वहीं गेंदबाजी में तो आपको नोकिया और कुलदीप यादव से ही उम्मीद होनी चाहिए, ये दो आपके गेंदबाज अगर विकेट लेते जाते हैं तो दिल्ली की टीम आगे बढ़ती रहेगी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप यहाँ पे इस टीम में फिनिशर के रोल में किसको देना, क्योंकि T20 में फिनिशर का रोल बहुत मायने रखता है, बहुत मायने, और मेरे को लग रहा है कि रोमन पावेल को वो काम करना चाहिए, रोमन पावेल और अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल अगर आईपीएल में फिनिशिंग करते रहेंगे तो T20 में अपनी जगह और पक्की कर लेंगे, क्योंकि जडेजा के होने से अक्षर पटेल की टीम में जगह थोड़ी कम हो जाती है, तो अगर यहाँ पे वो वही प्रदर्शन दोहराते रहते हैं, फिनिशर का रूप अच्छे से कर देते तो उनकी टीम में और जगह पक्की होती हुई दिख जाएगी, बिल्कुल, जिस तरह से रविंद्र जडेजा जो है वो CSK को मजबूती प्रदान करते हैं, धोनी जो है मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि वो उनसे उनपे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी तरह अक्षर पटेल दिल्ली के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल, और दिल्ली के लिए अगर ये करते हैं तो मतलब फिर भारतीय टीम में जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 19-20 का ही अंतर आ जाएगा, हालांकि उनके जगह पे सब्स्टिट्यूशन में कोई और है नहीं जडेजा की जगह पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्क्वाड में तो रहना ही है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो रहेंगे, प्लेइंग 11 तो पक्का है उसमें,
बिल्कुल। तो ये था कि ये थी हमारी तरफ से दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड एनालिसिस। इसमें हमने बात करी डेविड वार्नर की कप्तानी के बारे में, क्या हो सकती है उनकी कप्तानी में, कितनी आगे ये टीम जा सकती है। दोनों का मानना है कि प्लेऑफ्स में तो दिल्ली कैपिटल्स को जाना चाहिए, और नहीं जाती तो ये खुद भी, हम भी निराश होंगे और दिल्ली की टीम भी, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये अभी तक ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही है। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए बहुत जरूरी होगा कि इस सीजन वो कुछ करके दिखाए और जो भी पिछले रिकॉर्ड थे उन सबको तोड़े और फाइनल में पहुंचे और एक बार नया चैंपियन देखने को मिले। तो दिल्ली से वो उम्मीदें रहेंगी। आपको क्या लगता है दिल्ली कहां तक पहुंचेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।